हाय एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। एक्चुअली आज इस वीडियो में मैं आपको एसपीएम बीबीएम के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने एसपीएम में बाय सेल्फ किया था एंड उसमें मेरे एग्जेम्पशंस भी आए थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एसपीएम बीबीएम सेल्फ करके भी आप एग्जेम्पशन ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें जो बाय सेल्फ करना चाहते हैं एंड उन्हें कैसे करें, किस तरीके से स्टार्ट करें, उसके बारे में एक जनरल गाइडेंस चाहिए होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन्हें गाइड कर लूंगा कि आप किस तरीके से बाय सेल्फ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए अगर आप बाय सेल्फ कर रहे हो। बिकॉज मैंने बाय सेल्फ की थी। हाँ, बस एक सजेशन दूंगा कि कुछ नोट्स आपको रेफर करने हैं, बिकॉज द बुक की जो लैंग्वेज है थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ और सारी चीज़ें वन बाय वन आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये हमारा एसपीएम बीबीएम का स्टडी मटेरियल है, आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे आपको एसपीएम बीबीएम का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया है। तो ये पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। अगर सेम एम फाइनल की बात करें तो एसपीएम बीबीएम एंड कॉस्ट ऑडिट दो सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पे जो मैंने जो रेफर किया था, मैंने स्टडी मटेरियल भी रेफर किया था, लेकिन स्टडी मटेरियल के साथ साथ मैंने कुछ बुक्स, कुछ नोट्स मैंने रेफर किया था। एक्चुअली ये जो टॉपिक है आपका, जो एसपीएम का जो टॉपिक है, इसमें आपको सपोज 40 मार्क्स तक का तो आपका क्या है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है 40 मार्क्स सिर्फ। यहाँ पे एक आपका एक इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है जो प्रैक्टिकल है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में कहीं भी कोई प्रैक्टिकल सेक्शन नहीं है जहाँ से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता हो। इस सेक्शन में भी कोई ऐसा प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है जहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे रेशियो एनालिसिस के आपके पास क्वेश्चन आ जाए जो आपने ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ा है। सेम चीज कॉस्ट ऑडिट में भी रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है। तो कुछ चीज़ें कॉमन है जो कहीं भी आ सकती है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको सिर्फ एसपीएम में पढ़ना है, मैं उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको ना मैंने जो किया था वो मैं आपके साथ बताता हूँ। मैंने एसपीएम बीबीएम के लिए निखिल सर के नोट्स को रेफर किया था एसपीएम एंड बीबीएम के लिए। मेरे फ्रेंड्स वहाँ ऑलरेडी क्लास ले रहे थे निखिल सर से, मैंने भी निखिल सर से कॉस्ट ऑडिट की क्लास ली थी, बट मेरे पास इतने टाइम के अरेंजमेंट नहीं थे बिकॉज मैं बोथ रूम मुझे देना था, तो मैं हर एक सब्जेक्ट की मैं क्लासेज नहीं ले सकता था। और एसपीएम क्लासेज मॉर्निंग में होता था, तो मॉर्निंग में मेरे लिए उठना बहुत डिफिकल्ट होता था उस टाइम। सुबह 6 बजे 7 बजे अगर 8 बजे की क्लास हो तो जैसे लगता था सामने एक पहाड़ सा खड़ा हो, उस तरीके से ऐसा फील होता था। इसलिए मैं कभी मॉर्निंग क्लास को प्रिफ्रेंस नहीं देता था, मैं क्लास हमेशा स्किप कर देता था। तो शायद एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से मैंने एसपीएम क्लासेज ना ली। तो मैंने निखिल सर के नोट्स ले लिए, उनके बुक ले लिए एंड उसके बाद स्टडी मटेरियल को साथ में ले लिया। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया एसपीएम बीबीएम में। स्कैनर भी सॉल्व नहीं किया बिकॉज इतने मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं जब बोथ रूप दे रहा था तो मैं स्कैनर एमटीपी इतना ज़्यादा सॉल्व कर पाता। तो मैंने निखिल सर के बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात किया कि वहाँ पे ना ये सारे कॉन्सेप्ट के थ्योरेटिकल पॉइंट बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो चीज़ों को आपको याद करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एसपीएम बीबीएम के अगर आपको नोट्स मिल जाए निखिल सर के, तो आप नोट्स को रेफर कर लो। अदरवाइज आप स्टडी मटेरियल के साथ भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करना होगा याद करने में। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो 40-50 मार्क्स का आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है, 40-50 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, बाकी 40-50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बिजनेस मॉड्यूल्स है एंड वैल्यूएशन ऑफ ये वैल्यूएशन इन मर्ज एंड एक्विजिशन, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे मेरे टाइम में भी 30 मार्क्स का क्वेश्चन आया था और डेफिनेटली इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये पोर्शन भी है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीबीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों अगर पार्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया है एंड इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स का जो आपका पार्ट है, यहाँ पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन का जो क्वेश्चन आता है वो अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट डेफिनेटली 100% कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी के लिए बस आपको यही करना है कि आपको अगर नोट्स मिल जाए तो नोट्स से आप डेली बेसिस पे बस उसको रिवाइज करो, बिकॉज ना इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, ईआरपी के बारे में हो गया या फिर बेंचमार्किंग के बारे में हो गया, कोई सा भी कॉन्सेप्ट आता है टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है। तो डायरेक्ट आंसर आप लिखने में मैंने यूज किया अपना टेक्निक वो भी मैं आपको बता दूँ। अब जैसे बेंचमार्किंग का बेनिफिट्स पूछता था तो मैं क्या करता, मैंने बुलेट्स बना बना के मैंने लिखे हैं,
कभी भी मैंने पैराग्राफ राइटिंग नहीं की है, बिकॉज अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर आप पैराग्राफ राइटिंग करोगे तो सामने वाले को समझने में भी दिक्कत होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ वो पढ़ेगा नहीं आपकी। तो अगर आप बुलेट्स यूज करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा है और वो टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ सकता है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बुलेट्स बनाओ। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आप 10 to 12 बुलेट्स भी आपने बनाया तो 8 में से आपको 5 तो जरूर आ जाएंगे। तो यही मैं आपको सजेस्ट दूंगा एसक्रीम बीबीएम में कि बुलेट्स यूज करो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को आप आंसर देने के लिए। प्रैक्टिकल पोर्शन में ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप कवर करो। एंड मोस्ट सजेशन मेरा यही रहेगा कि अगर आपको नोट्स आपने ले लिया निखिल सर के तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बिकॉज आप थ्योरी बहुत जल्द याद कर लोगे। उसमें काफ़ी सारे अच्छे ट्रिक मतलब काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया और शॉर्ट शॉर्ट में डिफाइन किया गया। आप उतना लिख के आओगे तो भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो बाकी इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो एक्स्ट्रा एडिशनल, अगर आपको निखिल सर का बुक मिल जाए तो आप स्कैनर को स्किप कर सकते हो, बिकॉज उनके बुक में सारे स्कैनर्स के क्वेश्चन एमटीपी का क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, इसलिए मैंने स्कैनर को स्किप किया था। तो आप भी कर सकते हो। इसके अलावा आप स्टडी मटेरियल को थोड़ा बहुत आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप निखिल सर के बुक को आप सॉल्व करने का अगर आप स्टडी मटेरियल करना चाहते हो, बिकॉज ऐसे निखिल सर के बुक में हर एक चीज़ कवर है। मैंने उस बुक को काफ़ी एनालिसिस किया है तो उसमें हर एक कुछ उन्होंने कवर कर रखा है। स्टडी मटेरियल हो गया आपका, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस हो गए और भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कवर कर रखा है। तो उसके बाद मुझे कभी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा कि मुझे स्टडी मटेरियल रेफर करना पड़ा। फिर भी मैंने कुछ टॉपिक्स के लिए मैंने स्टडी मटेरियल को रेफर किया था, जैसे यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल ये दो चैप्टर है बीबीएम में, इसको मैंने स्टडी मटेरियल से किया था। बाकी सारे चैप्टर मैंने निखिल सर के बुक से सॉल्व कर लिया था। तो ये एक मेरी प्लानिंग थी जिसके थ्रू मैंने बाईसेल्फ किया। बाईसेल्फ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या था मेरी लाइफ में कि मैंने निखिल सर के नोट से सारा कुछ रिवाइज किया, याद किया और मुझे सारी चीज़ें अच्छे से याद हो गई। एंड प्रैक्टिकल पोर्शन भी मर्जर इक्विजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने काफ़ी बार सॉल्व किया, जिससे मैं उस मेरे टाइम में जब एग्जाम में उसके क्वेश्चन आए तो एकदम मैंने परफेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। तो होप सो अगर आप भी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी कि आपको किस तरीके से करना है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन के लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज बना रखी है जिसमें मैंने हर हमेशा वे ऑफ प्रेजेंटेशन बताया है, तो आप उन वीडियोज को रेफर कर सकते हो। जैसे कॉस्टिंग के लिए मैंने वीडियो बना रखी है सेम फाइनल में, आप उस वीडियो में देख सकते हो कि वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा करना चाहिए। तो हर एक एग्जाम में सेम पैटर्न होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन का, बस चीज़ें कैसे याद करनी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और किस बुक से आप पढ़ो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक्स, बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।